गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी देखिए, कल ये वाली कटिंग नर्सरी के बाहर गिरी हुई थी, मतलब फेंकी हुई थी उन्होंने, तो मैं ये ले आई हूँ। अभी तो ये लेटी हुई है, देखते हैं खड़ी होती है कि नहीं। तो ये किस चीज़ की कटिंग है? उसके क्या बोलते इसको, अबे यार भूल गई मैं तो, ये वाला प्लांट है, आपको याद है क्या क्या बोलते इसको? थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, सोच रहे थे फिर बताती हूँ। हैं तो यहाँ पे देखिए, आज मेरे को सरप्राइज़ मिला है, पता नहीं किस चीज़ का है ये। तो प्लांट्स ही आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये दुनिया तो बड़ी धोखेबाज है, धोखा ही देगी। ये देखो, मुझे नहीं पता किस चीज़ का बीज मैंने, वो हो दिख रहा है कि नहीं, धुंधला सा हो गया था फ़ोन में, तो मुझे नहीं पता किस चीज़ का बीज है ये उगा है। मैंने काफ़ी सारे बीज डाले हुए हैं इसमें, अलग अलग वैरायटी के, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया कि ये किस चीज़ का बीज है। तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 निकले हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं पहचान के आपको बताऊँगी। और ये देखिए, एक ये निकला है, दिख रहा है आपको? ये है केली, ये बड़ी वाली जो केली है ना, इसी का है। और ये भी, ये देखिए, तो ये आज तीन तीन मुझे सरप्राइज़ मिले हैं। तो जब भी छत पे आओ ना, और गार्डनिंग में कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिलते ही रहते हैं, तो आपको एक और सरप्राइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना मस्त सा है। ये देखो मेरी केली में ना एक फ्लावर स्टॉक निकली है, फ्लावर स्टिक निकली है, कितनी सुंदर लग रही है। येलो वाला है ये, तो अभी फ्लावर तो नहीं निकले, लेकिन स्टिक निकली है तो फ्लावर भी निकलेंगे, है ना। तो देखिए, कल मैंने इसमें भी छेद करके ये वाला मैंने दीवार पे टांग दिया था, और ये वाला भी टर्टल वाइन को भी मैंने छेद नहीं करे इसमें, बस ऐसे ही मैंने हैंग कर दिया है। ये मशीन से मैंने बनाई है रस्सियाँ, और दिखाती हूँ आपको मैंने कई सारे हैंग किए हैं। ये देखिए, ये वाला हैंग किया है, ये वाला हैंग किया है, बड़े बड़े से हैंग कर दिए मैंने 2-3, एक ये वाला हैंग किया है। तो बस डर है कि ये वजन की वजह से गिर ना जाए, क्योंकि भारी है, काफ़ी मिट्टी भारी होती है ना इस वजह से। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने टांग ही दिया है, ठीक है ना। हाँ, नाम याद आ गया गाइज, मुझे पेरीलैंथस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज 25 अगस्त है, गार्डन अपडेट मैं दे रही हूँ फ्राइडे की। आपको देख सकते हो कितने अच्छे फ्लावर निकले हुए हैं। और ये मेरा गुड़हल है, और ये इसको क्या बोलते हैं, इरेंथिमम बोलते हैं इसको। पार्क से कटिंग लाके मैंने बहुत दिन पहले लगाई थी छोटे से गमले में, अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छी सी हो गई है। मैंने इसको टिप इसकी मैंने कट कर दी थी यहाँ से, तो आप देख सकते हो चारों तरफ से फूट के आया बारिश में। आज काफ़ी दिनों बाद काफ़ी अच्छी धूप निकली है, आप देख सकते हो मौसम कितना तगड़ा सा हो रहा है ना, बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई है। तो वरना 3-4 दिन से बिल्कुल भी खुला ही नहीं था मौसम। और ये मेरे सारे प्लांट देख सकते हो आप, चांदनी, बोगनवीला, केली येलो वाली, और ये रेड वाली केली है। तो अभी इसमें स्टिक नहीं निकली है, फ्लावर स्टिक। और ये मेरा मनी प्लांट है, ये मेरा एक्जोरा है, एक्जोरा में कली, तो कलियां मैं अभी निकलने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ना मुझे कलियां नहीं चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो मैं कलियां अभी तोड़ देती हूँ। तो आज मैं बहुत सारे प्लांट्स फिर से टांगने वाली हूँ, ये वाला टांगूँगी, क्योंकि ना काफ़ी सारे छोटे 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 हो गए हैं, तो सफाई सफुई करने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं ये छोटे छोटे सारे यहाँ पे टांग दूंगी ना, तो इधर उधर नहीं करने पड़ेंगे, फिर सफाई अच्छे से हो जाएगी रहेगी। तो और गार्डनिंग में ना क्लीनिंग बड़ी ज़रूरी है गाइस, रोज़ डेली इतना गंद होता है, इतना गंद होता है, इतना गंद होता है, आपको मैं क्या बताऊँ, आप खुद समझ सकते हो कितना गंद होता है ना। पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, और बारिश आ जाए तो बस पूछो मत, इतने पत्ते और मिट्टी निकल जाती है गमलों की, तो बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है। तो मुझे तो भैया गंदगी पसंद नहीं है, मैं रोज़ डेली ही सफाई करती हूँ, आज शाम को करने वाली हूँ, कल मैंने सुबह करी थी, तो मैं रोज़ डेली ही करती हूँ। तो इस वजह से कल सुबह करी थी, आप देख सकते हो फिर भी पत्ते पत्ते हो गए हैं। तो मैं तो एक ही दिन भी छत चलती नहीं है, रोज़ ही डेली मेरे को सफाई करनी पड़ती है, तो आज शाम को करने वाली हूँ। ये भी पेरीलैंथस है, ये भी मैंने कटिंग से उगाया, सब मैंने इस बार कटिंग से ही रेडी किया। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इतनी टैलेंटेड कब से हो गई। तो प्लांट्स लगा लगा के ना टैलेंट बड़ा आ गया मेरे में, पहले मेरे हाथों से गाइस एक भी कटिंग नहीं होती थी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ,
कटिंग होती ही नहीं थी। और ये रेन लिली का बर्ड है, ये देखिए। और ये देखिए, मैंने यहाँ से टिप को काटा था और ये देखिए दो जगह से फूटा है। और ये देखिए मेरा समी का प्लांट। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं, आप लोग गाइस कमेंट करते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे देख रहे हो, मेरे प्लांट्स को पसंद कर रहे हो, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। पता है पहले मैं व्लॉग डालती थी उसमें तो कोई रिस्पांस मुझे मिला नहीं, लेकिन क्या पता गार्डनिंग में मिल जाए। तो कहते हैं ना, जो आपको पसंद हो वही करना चाहिए, उससे अलग करोगे तो फिर रिस्पांस अच्छा कैसे मिलेगा। तो अब समझ में आता है कि मैंने क्या ब्लॉग व्लॉग बनाए, गार्डनिंग ही बनाती तो अब तक तो फेमस हो जाती। पर कोई बात नहीं, चलो देर आए दुरुस्त आए। ये देखो आज मेरे गुड़हल में एक और दो, सिर्फ दो ही फ्लावर निकले हैं। और ये देखिए अल्टरनेंथ्रा कितनी अच्छी हो रही है मेरी। और कल गाइज मैंने बताया ना, उसके वहाँ पे मुझे एक वो पाया था प्लांट पेरिलेंथस का नर्सरी के वहाँ, तो ये भी था वहाँ पे ना, तो मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, ये मदर ऑफ थाउजेंड लग रहा है मुझे, तो मैं लिया ही, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो देखते हैं बड़ा हो जाएगा जब। तो गाइज आप मुझे कवाड़न कह सकते हो, चोर कह सकते हो। तो एक कमेंट आया था मुझे, मैंने नाम तो मैं भूल गई, नाम बता दूंगी मैं पढ़ के। तो कमेंट में लिखा था प्लांट्स चोर, तो मुझे बिल्कुल भी ना गुस्सा नहीं आया और मुझे खुशी महसूस हुई, पता नहीं क्यों। तो प्लांट्स चोर किसी ने मुझे कहा तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया गाइज। हाँ मैं हूँ थोड़ी बहुत ना प्लांट्स चोर, कटिंग लेने को अगर चोर बोलते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे कोई गुस्सा वुस्सा आया नहीं। तो इस बार आप यही कह सकते हो, मैंने कटिंग इधर उधर से मांग के और इधर उधर से पार्क से लेके, ये हर चीज़ कहीं भी मुझे अच्छा सा प्लांट मिल जाता है तो मैं, कोई होता है तो पूछ लेती हूँ, नहीं होता तो मैं ले लेती हूँ कटिंग। तो कह सकते हो आप प्लांट चोर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे ज़्यादा कोई मुझे गुस्सा उस्सा आया नहीं, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं आया, मुझे खुशी ही महसूस हुई कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ फ्री में, और मैंने किया भी। तो आप भी ऐसे गार्डनिंग कर सकते हो गाइज, जिस पे पैसा नहीं है और प्लांट्स का शौक है। मेरे पास भी गाइज बिल्कुल पैसा है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ये ऊट पटांग से काम कर देती हूँ। तो हस्बैंड भी बड़ा सुनाते हैं मुझे, लेकिन मैं क्या है ना, ढीट किस्म की लड़की हूँ तो मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको तो मना लूँगी, लेकिन कटिंग दिला दो यार, महंगी सी कटिंग है, फिर कहीं मिलेगी नहीं। तो ऐसे मैंने ना रिक्वेस्ट करके उनसे ले लेती हूँ। तो गाइज इट्स ओके। तो बताइए कैसी लगी मेरी आर्ट की प्लांट्स अपडेट, केले का प्लांट जो ताई के यहाँ से लाई थी मैं दिल्ली से, और ये पंजावन आंटी से लाई थी मैं दिल्ली से, ये भी काफ़ी अच्छा सा फूट रहा है देखो। तो चलिए कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपडेट गार्डन अपडेट कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय गाइज़।